शमशान घाट पे लिखा था, मेरे चार भाइयों तुम मुझे यहां छोड़ने आए, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं सोच रही थी इसके नीचे अगर एक लाइन हो लिखी होती तो कि आगे भी चलो मेरे साथ, तो शायद कोई अपनों को शमशान घाट भी नहीं ले जाता। अगर आगे जाने की भी कंडीशन होती कि जो चार मुझे यहां छोड़ने आए हैं, कंडीशन ये है कि वो आगे भी क्या हो मेरे साथ चले, तो कोई शमशान छोड़ने नहीं जाता। ये काम भी शायद सरकार को करना पड़ता है, डेड बॉडी को घर से उठाना पड़ता है, वो तो शुक्र है वो लाइन नहीं लिखी थी। अच्छा, जिसे शमशान घाट छोड़कर आए हैं, घर आने के बाद यदि वो चलता फिरता दिखाई दे जाए तो घर से बाहर मिलेंगे हम सब। जिसे छोड़कर आए थे वो चलता फिरता घर में दिख जाए, ये है मेरे किले में मेरा राइट, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब सब साथ छोड़ देते हैं शमशान घाट तक, लेकिन शमशान घाट से भी आगे की यात्रा में जो मेरे साथ होता है वो कौन होता है? केवल अब ऐसे भी देखिए कलयुग में आप किससे मेरा कह रहे हो, सबको पता है कौन मेरे हैं, कैसे मेरे हैं। पीछे हम इंदौर गए, आरती बेची गए, काफी लोग आए हुए थे, तो एक 75 साल की माता भाई जी के सामने रो रही थी। भाई जी को सेशन के लिए जाना था, तो मेरे को बोल के गए इसको थोड़ा साथ माना, तो क्यों रो रही है पता नहीं, जब से आई तब से रोई जा रही है। मैंने देखा माता जी के पास जाके तो उनको चोटें लगी हुई थी, नीला लाल जैसे सूजा हुआ था ऐसे। मैंने सोचा थोड़ी बरसात हो रही है तो गिर गई होगी माता जी। मैंने माता जी को बोला किसी डॉक्टर को दिखाइए, कहती नहीं मेरे को ऐसी चोट मिली है जिसका इलाज किसी के पास नहीं। माता जी ने सुनाया कि मैं ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी कि आप भी सोचोगे कि मेरे ऊपर बीती है। जो क्या बीती, मेरा 4 साल का बच्चा, उसका बाप गुजर गया, मैं विधवा, अकेली मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने बच्चे को पाला स्वाभिमान से, अकेले शादी नहीं की दूसरी, बड़ा प्रेशर था घरवालों का, इसलिए घरवालों का कोई सपोर्ट भी नहीं मिला मुझे। पढ़ाया लिखाया स्वाभिमान के साथ, ईमानदारी के साथ उसको एक बिजनेस भी बना के दिया अच्छा सा, बेटे ने लव मैरिज कर ली। बहू कैसी आई, फ्रीडम फाइटर। शादी के बाद बच्चे की दोनों किडनी फेल हो गई, लास्ट मोमेंट पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया या तो ट्रांसफर कर दीजिए या तो गया। माता ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, अपना एक गुर्दा हंसते हंसते निकाल कर अपने बच्चे को दे दिया, एक से तुम जियो एक से मेरा जीवन चलेगा। लेकिन वो जो बहू थी वो माता जी को इतना अपमानित करती थी, इतने कड़वे शब्द बोलती थी जो उसने पूरे जीवन कभी नहीं सुने, फिर भी चुप रहती थी, बोलती नहीं थी कुछ। ये माता जी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी, खान पान की शुद्धि रखती थी। वो बहू माता को टॉर्चर करने के लिए कभी तो प्याज उसमें मिला देती खाने में, कभी लहसुन लाके, एक दिन तो हद हो गई वो मुर्गा ले बना हुआ मांस नॉन वेज और उसकी दाल में मिला दिया ना करके। उस दिन माता जी की धैर्यता की सीमा खत्म हो गई। माता जी ने कहा कि मैं अपना चूल्हा अलग रखती हूँ, तुम्हारी रसोई अलग रहेगी, मेरे रूम में एक छोटा सा चूल्हा रख देती हूँ, तुम तुम्हारा खाना अलग बनाओ मैं अलग बनाऊंगी। अब बहू को ये भी गवारा नहीं, आज तक माता जी खाना बनाती थी, माता भी सोचती थी चलो मुझे अपना बनाना है, दो बच्चे इनका भी मैं बना लूंगी, कौन सी बड़ी बात है। पर बहू को ये बात भी गवारा नहीं, लेट नाइट सोती है, देर से उठती है, पूरी रात टीवी देखती है, अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट का डब्बा बना के देना पड़ेगा, काम सारा करना पड़ेगा, ये भी उसको खलबली मच गई दिमाग में। जैसे ही उसका हस्बैंड आता है, माता का बेटा, उसका इतना दिमाग खराब करती, क्या क्या बोलती है, उलट पुलट सीधा गलत जो भी उसको आया वो इतना भर दिया उसका दिमाग,
कि उस कली की औलाद ने जो कि आप सोच नहीं सकते। वो कमरे में गया, माता के बालों को पकड़ा उसके और दरवाजे में सर मारा उसका। इतना ही नहीं किया, उसका कपड़ा पकड़ के घसीटता हुआ लाया और मेन रोड के सड़क पे फेंक गया बाहर, लात मार के निकल मेरे घर से। अब ये भूल गया कि घर तुझे बना के किसने दिया। ये है कलयुगी संतान मेरे, जिन्हें मैं मीना कहती हूं। दुबई में मेरे पीछे भाई ने रोज सुनाया कि हम सागर पे गए, छुट्टी का दिन था, बच्चे वगैरह सब पिकनिक कर रहे थे, बच्चे डूबने लगे सागर में, तेज लहरें आ गई अचानक। ये बचाने गया बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद डूबने लगा, लहरें बहुत ही जल्दी उसको पीछे तक ले गई खींचे। जो भी उसके साथ थे उसने सबको आवाजें लगाई, मुझे बचा लो मैं डूब रहा हूं, पर हालात इतने खराब थे किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पानी में घुसने की, इतना भयंकर डूब ले गया था सागर में। सबको पुकारा उसने, अब सर पर पानी आया तो उसने हाथ ऊपर करके हेल्प मांगी कि कोई तो बचा लो मुझे। अब सागर का खारा पानी उसके अंदर घुसने लगा, अब उसे लगा कि अब, और जब कोई नहीं होता तब कौन होता है, जिसका कोई नहीं यारो उसका जो सबसे पहले याद आना चाहिए था वो सबसे बाद में याद आया। जब उसे कोई चारा नहीं नजर आया तब उसे भगवान नजर आया, बाबा याद आया। आप सोचो कि मृत्यु दो कदम दूरी पर है, उस समय मैं भगवान को कितने विश्वास से बुलाऊंगी, कितने दिल से पुकारूंगी उसको, समझिए उस कंडीशन को। इतने ही विश्वास से, इतने ही दिल से उसने बाबा को पुकारा, हे मेरे परम सदगुरु, मेरे साथी, मेरे खुदा दोस्त, मेरे परम रक्षक, तू मेरी रक्षा कर। फिर वो बेहोश हो गया। फास्ट बोट होती है तट पर, कुछ तैराकू भी होते हैं, वो तेजी से अपनी बोट लेकर के गए, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में उसको बाहर निकाला, आधा मर चुका था जैसे। बाहर निकाल के प्राइमरी स्टेज पे जो पंप वंप करके पानी निकालते हैं वो निकाले, एम्बुलेंस आ गई, फटाफट उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, आईसीयू में एडमिट है। 3 दिन हो गए होश नहीं आ रहा उसको, 4th दिन होश आया। जब होश आया तो वो सब लोग वही खड़े थे जो उसके साथ गए थे सागर पर, उसने किसी की तरफ नहीं देखा, मुंह फेर लिया, आंख से आंसू आने लगे और उसने कहा कि मेरा तो वही है जो डूबते को बचाते। बस आज मेरी समझ में आ गया मेरा उन्हें, और मेरा वही है जो मुझे गहरे सागर से भी निकाल के ले आया, क्योंकि लास्ट पुकार उसने सुनी, बाकी सुनकर भी सब अपनी बड़ी थी, अपनी बड़ी थी, नंगा डूब जाए थे मेरे, लेकिन हेल्प नहीं दे पाए। तो अपने दिल में थोड़ी सी जगह बाबा को दीजिए, इनके लिए जो मेरे हैं आप इतना करते कीजिए, कोई मना नहीं। बाबा कहते जो आपकी रचना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाखूबी निभाओ, अच्छे से अच्छे निभाओ, इतना नहीं इतना कीजिए, करते भी हैं, ना दिन देखते, ना रात, ना पाप, ना पुण्य, ना तेरा, ना मेरा, ना पराया, करते रहते कीजिए, लेकिन इतना सा किसके लिए बनता है, इतना सा उनके लिए, पर इतना सा भगवान के लिए मस्त 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 कंपल्सरी। अगर हम 24 घंटे उनके लिए दे सकते हैं तो 45 मिनट 1 मिनट 1 घंटा भगवान के लिए नहीं देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि साथ यही आएगा, काम यही आएगा। जब सब साथ छोड़ देंगे, पता नहीं कब कहां कौन किस मोड़ पर हाथ साथ छोड़कर चलते, कोई श्योरिटी नहीं।
अपने दिल में जगा दीजिए बाबा को, प्रीत कीजिए उससे। और इतिहास गवाह है कि हर प्रीत की रीत भगवान निभाते हैं, बहुत अच्छे से निभाते। और जब वो निभाते हैं ना, तब इतिहास बनते हैं, तब चमत्कार बनते हैं। तो अपने दिल में प्रीत पैदा कीजिए, सच्ची प्रीत, ठीक है ना। तो सौंप दिया सारा भार, टेंशन सौंप दो, मत रो यहां पे कुछ नहीं। वो सारी दुनिया का जो बोझ उठाने वाला है, आपके मन के बोझों को भी सौंपो, सौंपो।